उड़ीसा स्थित जगन्नाथ मंदिर वर्तमान में जीर्णोद्धार की प्रतीक्षा में है। इस मंदिर के जैन मंदिर होने के साक्ष्य मंदिर के अंदर दीवारों पर बनी दिगंबर कार्योत्सर्ग मुद्रा में तीर्थंकर की प्रतिमाएं मानी जा सकती हैं। जगन्नाथ मंदिर को लेकर अलग अलग मान्यताएं भी हैं। ऐसा कहा जाता है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव का एक उपनाम जगन्नाथ भी है। श्री 108 शांति सागर जी महाराज शाणी परंपरा के सातवें पट्टाचार्य 108 श्री विवेक सागर जी महाराज के पावन चरण आगरा से जयपुर की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां गोवर्धन नगर जयपुर में भव्य पंचकल्याणक का आयोजन होने वाला है। 99 करोड़ मुनिराजों की मोक्ष स्थली सिद्ध क्षेत्र मांगी तुंगी में विराजमान है परम पूज्य आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी महाराज, जहाँ पूज्य गुरुदेव के भक्तों को इस पर्वत का महत्व बताते हुए कहा है कि धन्य है हम सभी जो इस सिद्ध क्षेत्र की वंदना कर रहे हैं। भगवान पदयप्रभ की दीक्षा तप एवं केवल ज्ञान भूमि श्री प्रभास गिरी क्षेत्र में परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति 108 श्री विपुल सागर जी महाराज एवं उनके परम प्रभावक शिष्य आचार्य श्री भद्रबाहु सागर जी महाराज सत्संग की ग्रीष्मकालीन वाचना चल रही है। साथ ही पहाड़ी की सीढ़ियों का जीर्णोद्धार कार्य भी प्रगति पर है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में आयोजित भव्य पंच कल्याणक महामहोत्सव सानंद संपन्न हुआ। समापन के अवसर पर श्री जी की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सभी भक्तों ने सहभागिता कर पुण्यार्जन किया। उत्तर प्रदेश आगरा के ताजगंज स्थित 1008 श्री पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर में धर्मनाथ भगवान का गर्भ कल्याणक 9 मई को धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर भक्तों ने जिनाभिषेक शांतिधारा एवं नित्य में पूजन किया। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के पुनसे गांव में भगवान बाहुबली की 51 फीट ऊंची प्रतिमा विराजमान की जा रही है। ग्रेनाइट पत्थर से बनी ये प्रतिमा मनोज्ञ है, जिसके दर्शन करने भारी भीड़ पहुंच रही है। गुजरात के मेहसाणा जिले के उमताजी में जैन मंदिर के अवशेष आज भी जीर्णोद्धार की प्रतीक्षा में है। माना जाता है कि उमता में जैनों की संख्या अच्छी खासी संख्या थी। सन 1299 में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण ने मंदिर को तबाह कर दिया, जिसके खंडहर आज भी हैं।